This news is sponsored by Event Handle. Make your event memorable. बड़ी खबर सामने आ रही है, गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आज शाम गोवा के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वो 63 वर्षीय थे और पिछले एक साल से उनका न्यूयॉर्क और दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। पर्रिकर पिछले एक साल से पैनक्रेटिक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। आइए देखते हैं उनके ऊपर एक रिपोर्ट। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का निधन हो गया है। 64 वर्षीय पर्रिकर लंबे समय से कैंसर से गंभीर तौर से जूझ रहे थे। शनिवार शाम गोवा विधानसभा के डिप्यूटी स्पीकर माइकल लोबो ने भी कहा था कि मनोहर पर्रिकर के ठीक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। वाकई कहना गलत नहीं होगा कि आज भारत ने अपना एक हीरा खो दिया है और राजनीति जगत में शोक की लहर है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रविवार को निधन हो गया। वो अग्नाशय के कैंसर से जूझ रहे थे। पर्रिकर के निधन के बाद केंद्र सरकार ने 18 मार्च को राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। सोमवार को सुबह 11 बजे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्रिकर को श्रद्धांजलि देने गोवा जाएंगे। वहीं गोवा में 18 मार्च से 24 मार्च तक 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। पर्रिकर के निधन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण समेत देश की कई गणमान्य हस्तियों ने शोक प्रकट किया। उन्हें एक ऐसे शख्स के रूप में याद किया जा रहा है जो सादगी और कर्मठता की प्रतिमूर्ति थे। पर्रिकर अपने पीछे दो बेटे छोड़ गए हैं। उनके दोनों बेटे राजनीति से दूर हैं। उनके बेटे उत्पल पेशे से इंजीनियर हैं, जबकि अभिजीत खुद का बिजनेस करते हैं। दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की अंत्येष्टि आज शाम 5 बजे की जाएगी। इसके बाद पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए शाम 5 बजे गोवा खेल प्राधिकरण के मैदान में ले जाया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार उनका पार्थिव शरीर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यालय और प्रदेश के कला संस्कृति केंद्र में सुबह एवं दोपहर को रखा जाएगा, ताकि लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें और श्रद्धांजलि दे सकें। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री रहे पर्रिकर की अंत्येष्टि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल।